हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आई एम डॉक्टर विनीता नेगी एंड आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी सेस एनेट 2023 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या बुक्स पढ़ना जरूरी है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करूंगी। इससे पहले हम सेशन स्टार्ट करें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फीचर्स हेल्प करेंगे फॉर द अपकमिंग सीएसएनएट एग्जाम। नेक्स्ट, कुछ दिन रह गए हैं, आपके पास एक नया कोर्स आ रहा है अपकमिंग बैच सीएसएनएट 2023 के लिए। ये फाउंडेशन कोर्स है फॉर मैथमेटिकल साइंस। ये एक जो कोर्स है आपका इंग्लिश कोर्स है और ये स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से। यहाँ पर मैं और राजन सर आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और इन 3 यूनिट से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे। इस फाउंडेशन कोर्स में क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट होंगी, सो आपका पूरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी यहां पर कवर हो जाएगा। सो आप अपकमिंग बैच के लिए एनरोल करना चाहते हो तो फटाफट एनरोल कर लीजिए इस फाउंडेशन कोर्स के लिए। फॉर इंग्लिश अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा फॉर मैथमेटिकल साइंस। चलिए, तो सीएसएनएट क्रैक करने के लिए बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये समझ लीजिए। क्यों हमें बुक्स की नीड है, बिना बुक के हम क्यों नहीं एग्जाम को क्रैक कर सकते। तो सबसे पहले बुक्स की इंपॉर्टेंस, जब भी हम सीएसएनएट की प्रिपरेशन करेंगे, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मटेरियल मिल जाए जो सारे सिलेबस को कंटेन करे, तो सबसे पहले ध्यान रखना आप जो भी पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। ठीक है, आप सीएसएनएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जिस टॉपिक से रिलेटेड या जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना, प्रिपेयर आप जिस एग्जाम के लिए कर रहे हो उसी स्टैंडर्ड में आप बुक्स की सर्च करोगे। नेक्स्ट, आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स बेस्ट है आप उन्हीं की तरफ जाइए। ठीक है ना, देखो एक तो होता है कॉन्सेप्ट, आपने ग्रेजुएशन में किया उसके लिए बुक्स आपके पास, ऑथर्स आपके पास डिफरेंट थे। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके एग्जाम सिलेबस में कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए कौन सी बुक्स आपको इंपॉर्टेंट मिलती है वो वाली बुक की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, आपकी जो ये बुक्स हैं आपकी क्लासेस का सब्स्टिट्यूट है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी क्लास से पढ़ा, ठीक है, वही सारी डेफिनेशंस, वही सारी थ्योरम्स आपको बुक्स में मिल जाती है, तो ये बुक्स आपको हेल्प करती है आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने में और आपकी क्लासेस में जो आपने पढ़ा उसको आप रिलेट भी कर सकते हो। ठीक है ना, एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाती है और इस तरीके से ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट थिंग आती है यहाँ पर, हमारे पास जो बुक्स दे रखी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उन बुक्स के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक से आपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है। चैप्टर्स को क्या सेग्रीगेट करना है कि आपकी बुक में यूनिट 1, 2, 3 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तो इस तरीके से आप चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं बुक्स की हेल्प से। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है आप उसमें ज्यादा फोकस होते हैं। ठीक है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको उसको सबसे पहले पढ़ना है, फिर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है फिर आप उसकी तरफ पढ़ेंगे। सपोज आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन रहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, सेग्रीगेशन से आपको इसमें हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट, कंटेंट की जब हम बात करें, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसमें स्पेसिफाइड कॉन्सेप्ट को आपको देखना होता है, तो पूरी बुक की तरफ जाना नहीं है। आप जब भी बुक स्टार्ट करते हो तो बुक के फ्रंट पेज में आपको टेबल दिया होता है। ठीक है ना, तो भाई रियल एनालिसिस में हमारे पास रीमान इंटीग्रल है, रीमान इंटीग्रल में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाती है, भाई इस टॉपिक में ये सब टॉपिक्स है जो जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं बना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो टेबल ऑफ कंटेंट है बुक से आपको हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट को, स्पेशली स्पेसिफाइड कॉन्सेप्ट को रिलेट करने में और सेलेक्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप बुक से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसी के साथ साइड बाय साइड आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं और
जैसे ही आप कोई चीज पढ़ रहे होते हो, जब आप लिख रहे होते हो व्हाइल यू आर राइटिंग, आपको वो फोकस मिलता है, अटेंशन मिलता है, और वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा जल्दी आप उसे रिलेट कर पाते हो, याद रख पाते हो, ठीक है ना। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन करने के बजाय बुक को आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए, लिखना शुरू कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड समरी उसकी बना देनी है, और समरी से रिलेटेड ही क्रिस्प नोट्स आपने बनाने, इन्हीं नोट्स को आप रिविजन करेंगे। देखो आपकी बुक बहुत मोटी होती है, उसमें अराउंड 300-400 पेजेस होते हैं, तो पूरी बुक को बार बार याद करना इज डिफिकल्ट आपके एग्जाम तक। तो हम क्या कर देते हैं, यही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो भी आपका कंक्लूजन मिल रहा है उसको एक लाइन में सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। इन शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स को आप समराइज करके याद करेंगे, रिविजन करेंगे टिल योर एग्जाम। नेक्स्ट आता है, जो भी आपका स्टडी फ्लो आपने बना दिया, जैसे आपने स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन करने के बाद आपके 15 दिन हो गए, 10-15 दिन के बाद आपको लग रहा है कि हाँ स्टडी आपका फ्लो सही चल रहा है, आपने जो टाइम टेबल मेंटेन कर रहे हो कर रहा है, जो भी आपने टाइम टेबल सेट किया वो आप अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, तो आप उससे क्या करोगे, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है ठीक है, उनमें जाने से पहले जो छोटे टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट कर लीजिए। देखिए जो हमारे पास बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको देख के हम वैसे ही घबरा जाते हैं, स्पेशली जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। तो जैसे हम छोटे छोटे अचीवमेंट्स करते हैं ना, तो वहां से एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिल जाता है कि हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया, ये टॉपिक कर लिया। तो इस तरीके से जब भी आप किसी डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हो तो उससे आप घबरा जाओगे, तो आगे तैयारी हो नहीं पाएगी। तो अपने फ्लो को मेंटेन करने के लिए, स्टडी फ्लो को मेंटेन करने के लिए आप पहले छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे ये छोटे टॉपिक्स, छोटे टारगेट्स आपके हो जाते हैं, उसके बाद आप डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। इसी रेशियो में आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर डिफिकल्ट जाएंगे। एकदम डिफिकल्ट पे जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आप फिर तैयारी ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी जरूरी है, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी जरूरी है, कंसिस्टेंसी मस्ट है। आपने पहले दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन बाद फिर आप भूल जाओगे, या 2 दिन का आपने गैप ले लिया, तो वो गैप नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि अगर ये कंसिस्टेंसी का फ्लो नहीं मिलेगा तो आपने जो पीछे पड़ा फिर वो रिदम टूट जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कुछ कीजिए जिससे आप एक दिन में एक टॉपिक कवर करें, इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहें। आपने जो फ्लो बनाना है, बिकॉज आपको वो टॉपिक आगे, आपके पास सपोज 10 टॉपिक्स हैं, तो एक टॉपिक एक दिन में करते हुए आपने 10 दिन में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चंस करना, फिर उसके एमसीक्यूज करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में कंसिस्टेंसी तोड़ दोगे तो फिर जो भी पीछे पड़ा वो रिदम टूट जाता है, वो फ्लो टूट जाता है, और फिर बैठना स्टडी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटाइज करना, मतलब आपके पास सिलेबस में बहुत सारी टॉपिक्स है, उन सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको केवल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाना, जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, या जिस कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, उनको तो छोड़ना ही नहीं। तो सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है बुक्स की हेल्प से, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन बनेगा इनसे आप रिलेट करते हुए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो डायग्राम्स मिल गए आपको, टेबल्स मिल गई आपको, फ्लो चार्ट्स मिल गए, बुक्स में आपको बहुत सारे डायग्राम्स और टेबल्स अवेलेबल होते हैं, तो जो भी आप मेमोराइज करना चाह रहे हो, मेमोराइज करने के लिए ये डायग्राम्स आपको हेल्प करते हैं। तो पूरी थ्योरी अगर याद नहीं आ रही है तो डायग्राम आपको याद दिला लेता है। मैथमेटिकल साइंस में हम बात करें तो आप फ्लो चार्ट का या कंपैरिजन टेबल का भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको दो डेफिनेशन है, दो में कंपैरिजन करोगे तो उसको याद करना इजी रहता है। जैसे हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है रिंग एंड ग्रुप का, तो आप उसको कंपेयर के फॉर्म में कर सकते हो कि रिंग में क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उस तरीके से कंपेरिजन करके भी आप कंपेरिजन टेबल बना के भी स्टडी कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स को याद करना इजी हो जाता है, ठीक है। लास्ट, प्रैक्टिस इज द की। आप कोई भी चीज कर रहे हो, आपने एक दिन की, आपने 2 दिन की, कंसिस्टेंसी रखा आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है। आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट बनाए, बुक से पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको रिवाइज किए, लेकिन थ्योरी समझ गए लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डिफिकल्टी मिलेगी आपको, बिकॉज एग्जाम में आपको अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ।
तो जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर थ्योरी को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना है, उतने ज्यादा आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आप जो भी बुक्स लेंगे तो ऐसी बुक्स भी आपको कंक्लूड करनी है जिसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम कुछ बुक्स लेके आए हैं CSNET दिसंबर के लिए। रियल एनालिसिस में आपको SK मापा की बुक अच्छी मिल जाएगी, मैथमेटिकल एनालिसिस में टॉम एपोस्टॉल की, रियल एनालिसिस में एक दूसरी बुक है बार्डले की, अच्छी बुक है ये भी। लीनियर अलजेब्रा में आपको रे कुंजे की, हॉफमैन की अच्छी बुक मिल जाएगी। यहाँ पे एक दूसरी बुक है लीनियर अलजेब्रा में स्टीफन की और लॉरेंस की, दूसरी लीनियर अलजेब्रा में शाम सीरीज है ये। शाम सीरीज में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत अच्छी बुक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पुन्नु स्वामी की बुक है, अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपके पास जॉन कॉनवे की एक बुक मिल जाएगी। इसी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक दूसरी बुक आती है आपकी शांति नारायण की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एप्लीकेशंस की एक दूसरी बुक है चर्चिल की, अच्छी बुक है, वार्ड ब्रॉन और चर्चिल की है। कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा मॉडर्न एलजेब्रा के लिए जोसेफ गैलिन की बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको क्वेश्चंस थ्योरम्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। टॉपिक्स इन एलजेब्रा में एक दूसरी बुक है हंस्टीन की, ये भी अच्छी बुक है। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में एक दूसरी बुक है डेविड एंड फूटे की, इट्स अ गुड बुक, ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी छोटा सा टॉपिक है, मोनक्रीज का एक अच्छी बुक है, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक स्पेसेस, यहाँ पर कुमार सेन की ये बुक है। ODE एंड PDE के लिए आपको MD राय सिंघानिया बेस्ट बुक है, अप्लाइड मैथ से आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने को। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक दूसरी बुक है SL रॉस की, और विद एप्लीकेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जॉर्ज की ये बुक आ जाती है। ODPD के लिए MD राय सिंघानिया पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए TA अमरनाथ की भी आपको एक बुक मिल जाएगी, अच्छी है, आपको यहाँ पे हर एक मेथड को समझाया गया है। कैलकुलस वेरिएशन में AS गुप्ता की बुक है, सारा का सारा लॉजिक कैलकुलस वेरिएशन में यूलर लैग्रांज इक्वेशन पे डिपेंड है, तो उसी से रिलेटेड बुक है ये। कैलकुलस वेरिएशन में दूसरी बुक है मार्क कॉट की। इंटीग्रल इक्वेशन में MD राय सिंघानिया, MD राय सिंघानिया के बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन और ODPD के साथ साथ इंटीग्रल इक्वेशन में भी गुड बुक, ठीक है। दूसरी इंटीग्रल इक्वेशन की बुक है आपके शांति स्वरूप की, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए अयंगर और जैन की बुक है ये। एक दूसरी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस की SS शास्त्री की, सारे न्यूमेरिकल मैथड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। न्यूमेरिकल मैथड्स में ही एक दूसरी बुक है SK सिन्हा, और क्लासिकल मैकेनिक्स में गोल्डस्टीन की बुक्स, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक्स से ऑथर से आप इनसे हिंट ले सकते हो, आप ये सारी बुक्स आपको हेल्प करेगी फॉर द एग्जाम। सो दिस इज द आरएम बैच फॉर नया CSNET दिसंबर 2023 एस्पिरेंट, जो जो दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको ये कोर्स मिलेगा, दिस आरएम बैच 2023 विल हेल्प यू फॉर द अपकमिंग बैच 2023। यहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। यूट्यूब के जो सेशंस मेरे होते हैं मंडे एंड वेंसडे, टाइमिंग है 1 PM, ठीक है। दूसरा, दिस इज द न्यू बिगिनिंग, लॉन्च कर रहे हैं हम 3 एक्सक्लूसिव सीरीज यहाँ पे फॉर CSNET दिसंबर 2023। बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, सक्सेस स्ट्रेटजी मिलेगी, और CSNET जून 2023 कंप्लीट पेपर डिस्कशन मिलेगा। ये जो ऐप क्लासेस होती है मेरी, ये होंगी 12 PM पर, और ये होंगी आपकी ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को, ठीक है जी। तो ऐप कैसे आपको आना है बायजूस एग्जाम प्रेप पे, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको इस QR कोड को स्कैन करना, ठीक है। जस्ट यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड, स्कैन करते ही QR कोड को आपको डाउनलोड करना है बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप, ठीक है। सो ऐप पर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे, जो हमने अभी 3 सीरीज की बात की, यहाँ पे इन 3 सीरीज से आप पढ़ना चाहते हैं। ऐप सेशन का जो टाइमिंग है मेरा है 12 PM, यहाँ ऐप पर पढ़ने के लिए आपको बस बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करना है। सो स्कैन दिस QR कोड एंड डाउनलोड बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप नाउ, दिस ऐप विल हेल्प यू फॉर द अपकमिंग CSNET एग्जाम, ओके। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन, एनी काउंसलिंग, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू CSNET, क्या करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, स्पेशली जो बिगिनर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में,
तो कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आपको यहाँ पर फ्री काउंसलिंग मिल जाएगी। जस्ट आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और काउंसलिंग से रिलेटेड अबाउट कोर्सेज, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी डिटेल आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको फ्री काउंसलिंग मिल जाएगी फॉर द अपकमिंग सीएसई नेट एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट।